आपको रियलिटी बताऊं कि एक वे है कि अपने यहाँ नगर निगम का हाल तो सही मालूम अभी बेहाली है, इसको मैं बेहाली बोल सकती हूँ, क्योंकि निगम से कुछ भी काम जो है अगर बोला जाए तो वो निगम से काम जो बहुत लेट में हो रहा है। मैं मेयर इन काउंसिल का हम लोग का एक बैठक हुआ था, एक बैठक में हमारा कुछ ही काम जो था पारित हो पाया, वो भी अब सक्सेसफुली होने पाया। इन सब कामों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी अच्छा, कोरोना को लेकर क्या बताएंगे आप? कोरोना को लेकर के मैं क्या बोलूँ, आप कोरोना का हाल तो आप सब देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है। बाकी यही है कि हम लोग को अपने आपसी समझदारी से इन सबको कोरोना को हमको भगाना है। जितना सोशल डिस्टेंसिंग में हम रह सके सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, सैनिटाइजर का यूज करते रहें, वही है। हम जैसे कोरबा में हैं और आप यहाँ आसपास क्या देख रही हैं, क्या सुझाव देंगी आप शासन को? शासन को मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि जितना हो सके लोगों को निगम की तरफ से है कि उनको बार बार ये समझाया जाए। जैसे कुछ दिनों में चल रहा था ऑटो रिक्शा वगैरह से चल रहा था कि इतना सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये सब सुस्त पड़ गया है। जी तो उनको बार बार ये समझाया जाए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, घर के अंदर में रहें, जरूरी काम ना हो तो वो घर के अंदर में रहें, ये बार बार उनको निगम की तरफ से समझाया जाए। तो शासन की जो व्यवस्था है ना, उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, शासन की व्यवस्था पे अभी मैं टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा है कि कोरोना का जो काल चल रहा है इस पे सभी लोगों का हाल बेहाल है, तो इस पे अभी मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूँगी। मैं जी अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देंगी? अपने वार्ड वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घर पे में रहें, बिना कारण के वो घर से बाहर ना निकलें। घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं और अपने साथ में सैनिटाइज रखें। अगर सैनिटाइज वगैरह उनके पास सैनिटाइजर नहीं है तो कहीं पर भी अगर उनको मिलता है तो वहाँ पर जाके अपना हैंड वॉश बार बार वो करते रहें। निगम की गतिविधियाँ चल रही थी, एक समय उनका चल रहा था, बट अभी निगम की गतिविधियाँ पूर्ण रूप से जो है शून्य है, और निगम अभी अपने कार्य पे जो वो बोलती है वो अभी वो निगम वो कर नहीं पा रही है। देखा हमारे यहाँ अभी कुछ टाइम पहले 5 किलो प्रति व्यक्ति, भूपेश बघेल जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी बोल चुके थे कि 5 किलो प्रति व्यक्ति उन राशन कार्ड विहीन लोगों को देना है, लेकिन वो जो है इतना लेट लग गया कि लोग उसके लिए वेट करते रहे कि हमको आज मिलेगा कल मिलेगा। फिर हमको जो पार्सल ने दिया, अपने पार्सल से जो भी बन पड़ा हमने उनके लिए व्यवस्था की है, और अभी कलेक्टर महोदया ने ये बोल दिया है कि 5 किलो प्रति व्यक्ति सोसाइटी से देना है, इससे थोड़ी सी राहत हो सकती है। इसके लिए जो जो नियम बनाए गए थे जी, उससे लोगों को क्या परेशानी हो रही है? इससे राशन कार्ड बनाने में एक नियम ये बना दिया गया था कि उनको जो है एक भौतिक सत्यापन पंचनामा का फॉर्म आया, उस पर ये था कि उनको टैक्स पटाना है। अभी टैक्स वसूली करने के लिए राशन कार्ड, ये तो सही नहीं है कि आप राशन कार्ड के माध्यम से उनका टैक्स वसूली करें। लोगों अभी भी टैक्स जो है पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि झोपड़ी में जो रहते हैं वो टैक्स कहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी उनके लिए फिर खाद्य निरीक्षक से मिल करके हमने उसको सुझाव रखा, फिर उसमें मैंने बताया है कि अब भौतिक सत्यापन के फॉर्म पे कुछ सर्कुलर चेंज कर दिया गया है, जिसमें ये है कि टैक्स वो देंगे जिनका सामान्य राशन कार्ड जो बनाएंगे वो टैक्स का पेमेंट करेंगे, बाकी गरीबी रेखा वालों के लिए छूट रहेगी। जैसी महामारी जो कोरोना फैली हुई है, सरकार की या और जो विशिष्ट लोग हैं या प्रशासन है, उनकी संवेदनशीलता को आप कैसे देखती हैं? सरकार की मैं संवेदनशीलता को यही बोलना चाहूँगी कि ये जो कोरोना का जो ये फैला हुआ है, इस प्रकार उनको और भी जो है नियम अपने परिवर्तन करते रहने चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन के माध्यम से, जरूरी नहीं कि लॉकडाउन के माध्यम से उनका वो हो, उसमें और भी उनका नियम परिवर्तन करते रहना चाहिए। पानी को लेकर क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं अभी वार्डवासी? पानी को लेकर के बहुत बड़ी अभी हमारी वार्डवासी लोग समस्याएं झेल रहे हैं। हमको जो SSL से जो पानी मिलता था वो पानी भी हमको सही समय पर उसमें नहीं मिल पा रहा है। बाकी निगम से नल जल योजना के माध्यम से जो पानी शुरू होने वाला था उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा लेट लग रहा है। अभी पाइप की खुदाई होनी बाकी है, नल कनेक्शन होना बाकी है, जबकि इन सब चीज़ों को लेकर के व्यवस्था जल्दी से करनी चाहिए, लेकिन ऐसी हो नहीं रही है। पानी के लिए लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, नदी जा रहे हैं, बोर बिगड़ा हुआ है। SSL से मैंने पानी मंगा है, वो भी पानी दे रहा है। निगम से पानी आता है वो एक दिन के गैप में आता है, 2 दिन के गैप में आता है। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था कर रही हूँ मैं, अपने तरफ से जिस प्रकार से हो सके व्यवस्था करा के मैं देख रही हूँ मैं। बाकी पानी की तो समस्या है, बहुत ज़्यादा है। पानी के लिए तो करोड़ों रुपये का फंड आया हुआ है, बताते हैं कि घर घर में हम कनेक्शन देंगे, पानी देंगे,
और 24 घंटा पानी देंगे। सिर्फ अभी ये चल रहा है, बाकी तो अभी तक ये प्रोसेस में आया नहीं है हमारे वार्ड में फिलहाल। और दूसरी जगह पे अगर ये हो गया होगा तो सही बात है, बट अपने वार्ड में तो मैं बहुत दिनों से देख ही रही हूँ, अभी तक पाइप की खुदाई चल रही है, नल कनेक्शन आ ही रहा है, इतने लोग बचे हुए हैं, अभी पता नहीं कब शुरू होगा। जब शुरू हो जाए अच्छी बात है, अगर करोड़ों का फंड आया है तो उसका यूटिलाइज होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई रो नहीं देखा जा रहा है।